आप लोग सोच रहे होंगे अरीज की क्या डाइट है, अरीज क्या खाती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये देख रहे हैं, सलाटी खाती है, ये चिली मिली खाती है, और ये देखें, ये लेस खाती है, नींबू भी होती है, नींबू खाती है, ये मिर्चे भी खाती है। लाजमी नहीं है कि आप हेल्दी सब कुछ खाओ, थोड़ा सा इस तरह का खा सकते हो आप। आज हम लोगों की मूवी नाइट है, तो इसलिए ये सारा कुछ मंगवाया है। मिस अरीज क्या कर रही हैं? डेली करती हूँ। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? मैं बादाम खा लेती हूँ। ये कितने बादाम हैं? दो बादाम हैं? पांच हैं। पांच पांच बादामों का कोई खास सीन होता है? इतना क्रीम। क्या सीन होता है? सीन ये होता है कि अच्छे होते हैं खाने के लिए, बेबी के ब्रेन के लिए अच्छे होते हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपनी डे टू नाइट प्रेगनेंसी रूटीन। आप लोग मेरे से बहुत ज्यादा पूछ रहे थे कि मेरा कौन सा मंथ चल रहा है और मेरी जर्नी कैसी जा रही है, मैं क्या डाइट में ले रही हूँ। तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए एक प्रॉपर व्लॉग बनाती हूँ जिसमें मैं आप लोगों को अपनी सारी डाइट दिखाती हूँ। तो फिर इसके लिए लेकिन एक चीज मैं आप लोगों को लाजमी कहूंगी, ये जो व्लॉग होगा ये जैसा खाता पीता व्लॉग होगा। इसलिए आप समझो कि खेरीज बहुत पेटू है, बहुत खाती है। शुरू में ना लोग कहा करते थे देख के नुमान सर आप रीच को कुछ भी नहीं खिलाते लगता है। इसलिए आप लोगों को ये बता रही हूँ कि आप लोग भी अपने पास कोई मंच या स्नैक्स वगैरह लाजमी रख लें आप लोगों को, ताकि ज्यादा मजा इस व्लॉग का। और ये व्लॉग लड़कियों लड़कों दोनों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों भाई, यहाँ पे लड़के भी प्रेग्नेंट होते हैं? लड़कों की वाइफ या गर्लफ्रेंड्स तो हो सकती है। वाइफ हो जाए भाई, गर्लफ्रेंड बिल्कुल प्रेग्नेंट ना हो। ये लोग या आप लोग कह रहे हो कि रीच ने कहा था गर्लफ्रेंड भी हो सकती है। मैंने रात को सोप करके 5 आलमंड रखे होते हैं अपने लिए, ठीक है, वो मैं खाती हूँ इनको पील ऑफ करके सबसे पहले, और साथ में एक ग्लास पानी पीती हूँ। इसमें आप लोगों ने सबसे ज्यादा पानी लाजमी पीना है, डे वन से लेकर आपकी जो 9th मंथ की जर्नी है इसमें आपने पानी बहुत पीना है। मेरी बहुत मुश्किल से आदत बनी है पानी पीने की, बिल्कुल भी नहीं पीती थी और पता नहीं कैसे पी रही है अब मैं पीती हूँ। सुबह सुबह का टाइम है और अरीज नाश्ता, अरीज अपना ब्रेकफास्ट बना रही है। ठीक, क्या बना रही हो? मैं ऑमलेट बना रही हूँ। एग आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हो। अच्छा, फ्राई भी ले सकते हो, बॉइल भी ले सकते हो, ऑमलेट भी ले सकते हो। अच्छा। तो मेरा आज खाने को दिल था ऑमलेट खाने को, तो मैंने वो बना रही हूँ। अरीज ने अपना ऑमलेट बना लिया है, ऑमलेट भी बना लिया है और पराठा भी। अरे ये क्या बना रही हो? मैं ये बटर मिल्क बना रही हूँ। क्या? बटर मिल्क बना रही हूँ। बटर मिल्क? अच्छा, आप पानी ना पियोगे? नहीं नहीं, आप पियो। अरीज अपना ब्रेकफास्ट ले आई है। तो मैं चेंज करती रहती हूँ, मैं कभी सब्जी ले लेती हूँ नाश्ते में, और कभी चिकन बना होता है तो वो ले लेती हूँ, जो भी सालन होता है वो ले लेती हूँ, लेकिन आज मेरा ऑमलेट पर दिल था तो इसलिए मैंने वो बना लिया। अब क्या हो रहा है? इतना मजेदार नाश्ता करने के बाद इंतहाई बुरी टेबलेट लेनी है मैंने, आयरन की। ये वाली टेबलेट है जो मैं नाश्ते करने के फौरी बाद लेती हूँ, लेकिन आप लोगों ने ये बिल्कुल नहीं लेनी। आप लोगों को जो आपकी गाइडेंस सजेस्ट करेगी वो लेना। मैं भी यही सोच रहा था, मैंने कहा पता नहीं तुम शायद लोगों को सजेस्ट कर रही हो। ये वाली सजेस्ट नहीं कर रही, आप लोगों को जो आपकी गाइडेंस सजेस्ट करती है आपने वो खानी। मैं सिर्फ बता रही हूँ कि मेरी इस तरह की होती है आयरन की टेबलेट। ओके, काश मैं आप लोगों को इसको स्मेल करवा सकती है, कितनी इसकी गंदी स्मेल है, बहुत ज्यादा बुरी होती है, खानी पड़ेगी। लेकिन अरीज जो है ना, वैसे में अब एक्सरसाइज करने लगी है। जी बिल्कुल, मैं नाश्ते के 2 घंटे बाद एक्सरसाइज करती हूँ। ओके, और मैं उतनी एक एक्सरसाइज करती हूँ जितनी मेरी बॉडी बियर कर सकती है। और एक्सरसाइज का मतलब प्रेगनेंसी में ये नहीं होता कि आपने अपनी बॉडी को बहुत ही ज्यादा थका देना है या और ही ज्यादा अपने आप को परेशान कर लेना है। इसलिए एक और मेन चीज, आप लोगों ने जब भी एक्सरसाइज करनी है अपना कोई भी फेवरेट ट्रैक लगा लेना है जो कि आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद हो। Okay, that's great. कोई ऐसा ट्रैक जिससे आपका माइंड जो है वो काफी रिलैक्स होता हो, इससे आपको और ज्यादा अच्छा फील होगा।
गई आपकी एक्सरसाइज? हाँ जी एक्सरसाइज हो गई। अब भला मैंने क्या करना? क्या अभी दिखाती हूँ, मुझे भूख लग रही है। इस तरह भी है कि मैं डेली एक्सरसाइज नहीं करती, मैं एक दिन एक्सरसाइज करती हूँ एक दिन वॉक करती हूँ। नाइस। और वॉक मैं उस दिन करती हूँ जिस दिन मौसम बहुत प्यारा होता है। ओके। सारी प्लेट को खत्म करना मतलब कि जितना खाया जाए उतना खाना। अरी जो है वो ऐसे में फ्रेश हो के आ गई है और ऐसे में डिनर भी रेडी कर दिया मैंने। नाइस। ये है पुदीने की चटनी और ये है सैलेड। दैट्स ग्रेट। ये है कैरी की चटनी। वाओ। पिकल। पिकल भी इसने ऑर्गेनिक रखा है। नाइस। गार्लिक पिकल। और ये ऐसे बोलो ना, पकड़ो। मेरे ना हाथ गीले हैं, नहीं हो रहा, स्लिप हो रहा है। अरे इससे ढक्कन नहीं खुल रहा भाई, ये देखें। आप लोग डिनर में चिकन खाओ, बिरयानी खाओ या चरगे मंगवाओ, आप सब्जी भी खा सकते हो। सब्जी बहुत मजे की लगती है। Nice. और सब्जी का ज्यादा मजा लेने के लिए मैंने पराठा बनाया। मैंने भी ये दोबारा स्टार्ट किया है। I mean, just look at that salad, यार क्या कमाल का बना है। इसमें तुमने क्या कुछ डाला हुआ है? मैंने एप्पल डाले, कैरेट है, कुकंबर है और साथ अनियन है। Awesome, awesome, बहुत जबरदस्त। इसके लेमन डाले हैं मैंने। नुमान, प्लेट तो आपने बहुत अच्छी बनाई है। अच्छा वैसे गाइस आप लोगों को लगता होगा कि नुमाना हर वक्त ड्रामे देखते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे घर में हर वक्त ये चला होता है, बस इसको देख रहे होते हैं या फिर इमरान खान का कोई खिताब आ जाता है उसको देखते हैं। खाते वक्त भी ये देख लें, हमें ये देखना पड़ता है। अरे वाह, लड़की ने तो दुनिया जहान के स्नैक्स रखे हैं भाई। अच्छा है ना, जब भी आपको किसी भी चीज की क्रेविंग हो निकालो और खा लिया। लेकिन ये हम बिल्कुल भी आपको रेकमेंड नहीं कर रहे प्रेगनेंसी के अंदर, ये बस ऐसे ही है कि अगर दिल करे तो थोड़ा बहुत आप खा थोड़ा बहुत खा सकते हो। अब इतना भी तो नहीं ना कि हर वक्त ये अच्छी अच्छी चीजें खानी है। थोड़ा सा बेबी को इसकी भी आदत डालनी है। और यहाँ पर डिनर करने के फौरी बाद मैं अपने किचन को क्लीन कर लेती हूँ। अब आपको नजर आ रहा होगा बैकग्राउंड। बिल्कुल। और फिर हम लोग डिनर के एक घंटे बाद चाय पीते हैं। वैसे मैं दिन में दो दफा चाय पीती हूँ और वो दोनों दफा आप देख चुके हैं। इसके अलावा और मैं बिल्कुल चाय नहीं पीती दिन में, सिर्फ इतनी ही है। फिर भी चाहिए। हाँ जी। अब मिस्टर नुमान चड्डी पहन के चाय पीने लगे हैं। चाय के साथ हम ये देखें ये कितनी अच्छी डाइट ले रहे हैं हम हैं। आज मैंने इतनी हैवी गेम लगाई है और अब मैं देखें ये खा रहा हूँ। ये देखें क्या बात है, चाय के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। आप खाकर तो देखो। अच्छा बताएं फिर, हाउ वाज योर फर्स्ट ट्रैमस्टर एंड हाउ इट्स गोइंग द सेकंड ट्रैमस्टर? फर्स्ट ट्रैमस्टर जो था जैसा मुश्किल था, जरा सा नहीं, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल था। मुझे उसमें नोजिया, डिजीनेस और फटीग जैसी चीजों को फेस करना पड़ा था। अच्छा। और मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था, मैं बिल्कुल भी किसी किस्म का मीट नहीं खा पा रही थी। जब सब्जियां और मीठी चीजें नहीं पसंद थी, सर्दियों का मौसम था, गजरेला वगैरह घर में बनता था और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। ऑरेंजेस मैंने काफी खाए, मुझे वो अच्छे लगते थे। और उसके बाद चाय से तो मेरा बिल्कुल दिल ही नहीं करता था मेरा तो चाय पीने को। अच्छा। इस तरह का मेरा गुजरा, काफी मुश्किल हुई, मुझे कुछ एलर्जीज हो गई थी उसके साथ ही, पिंपल्स निकल आए थे। इस तरह का मेरा फर्स्ट ट्रेमेस्टर। यानी कि लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये सारी कंडीशंस हो सकती हैं, कुछ हो जाती है नॉर्मल। हाँ, ये ना हो, हम ये इसलिए भी एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं ताकि लोगों को पता हो कि भाई इट्स प्रीटी मच नॉर्मल, ऐसा हो सकता है। इस तरह का हो जाता है, कुछ के साथ डिफरेंट होता है, कुछ के साथ सेम होगा। आप लोगों के साथ फर्स्ट ट्रेमेस्टर आपका कैसा गुजरा था, आप लोग मुझे भी बताना जो जब तक प्रेगनेंट हो चुकी है। अच्छा, मेरी जो फर्स्ट ट्रेमेस्टर की मेडिसिन थी उसमें फोलिक एसिड थी और कुछ जैसे मुझे एलर्जी हो रही थी तो वो थी, वो 3 मंथ्स मैंने फोलिक एसिड रेगुलर खाई है। फिर जैसे जैसे फर्स्ट ट्रेमेस्टर मेरा खत्म होने की तरफ आ रहा था, सब कुछ नॉर्मल हो रहा था, मैं सब कुछ खाने पीने लगी
रही थी, भूख मेरी बढ़ रही थी और सब कुछ नॉर्मल। फिर मेरा हर चीज खाने को दिल करता था, कुछ भी ऐसा नहीं था जो मैं नहीं खा पा रही थी। अच्छा। लेकिन इसमें मुझे फिर स्ट्रेचेस होना शुरू हो गई, लेग स्ट्रेच हो जाती थी मेरी खुद ब खुद। एक करवट पे लेट जाऊँ तो तब होती है, ज़्यादा खड़ी हो जाऊँ तो लेग स्ट्रेच होती है। सेकेंड सेमेस्टर में मैं इस चीज़ को सिर्फ फेस कर रही हूँ, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अच्छा जा रहा है। Great. और इसके बारे में मैंने सर्च भी किया था, इसको कहते हैं हनीमून पीरियड। तो वाकई मज़े का होता है जब आपको हल्की हल्की बेबी की मूवमेंट फील होने। और हनीमून पे तो तुम जा नहीं सकी अभी तक, अपनी बेबी के साथ जाएंगे। लेकिन मैं फील कर रही हूँ इसको। सही। वैसे भी नाम है ना इसके, सेकंड टेम्स्टर को वो भी कहते हैं अक्सर लोग। अच्छा। तो फिर इसमें वाकई बहुत प्यारा होता है क्योंकि इसमें आपको कोई भी किसी किस्म की चीज नहीं फेस करनी पड़ती। हल्की फुल्की सी स्ट्रेचिंग होती है क्योंकि आपका बैली निकल रहा होता है, ग्रो कर रहा होता है। बेबी की मूवमेंट जब आपको फील होती है बहुत अच्छा लगता है। तो अब तक का मेरा ये है, थर्ड टेम्स्टर कैसा गुजरता है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। फर्स्ट मेरा इस तरह का गुजर रहा था, सेकंड में जो मैं डाइट ले रही हूँ वो मैंने आपके साथ प्रॉपर रूटीन शेयर की है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह जर्नी अच्छा है, एक बहुत बड़ी खुशी है इसमें। थोड़ी सी तो कॉम्प्लिकेशंस हर एक की उसमें exactly, ऐसे आती है तो ठीक है, लेकिन उसकी हिम्मत भी आ जाती है आपको बियर करने की। एग्जैक्टली exactly. फिर आप मेडिसिन लेते हो, अच्छी डाइट लेते हो तो सब कुछ हो जाता है। हाँ. 5 मंथ मेरे कंप्लीट हो चुके हैं, 6 मंथ मुझे स्टार्ट है, उसके अभी 1-2 दिन ही गुजरे हैं। तो यहाँ तक की थी अपडेट। आप लोग बार बार पूछ रहे थे मेरी डाइट क्या है, कौन सा मंथ स्टार्ट हो गया, कुछ तो मैंने ये डाइट गाइस इसकी ये देखें, ये डाइट है ये। तो आपको पता है मान, कुछ लोग मुझे कमेंट कर रहे थे ये तो देखने से प्रेग्नेंट लगती ही नहीं है। सही है। नहीं पता, अगर आप लाइक प्रेगनेंसी के दौरान जैसे आपने देखा कि अरीज बड़ी अच्छी एक्सरसाइज भी कर रही है, तो आपको बहुत अजीब शेप के नहीं बनते, मतलब ठीक है बैली तो आपका समहाउ निकलती है लेकिन बाकी बॉडी भी आपकी सेट रहती है। वैसे मेरा वेट नॉर्मल था जब मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ, इसलिए मेरा कुछ ज्यादा आप लोगों को फील भी नहीं है। होता मेरा वेट जो था एक नॉर्मल था मेरी एज के हिसाब से जितना होना चाहिए था, तो इस वजह से भी शायद आपको वो वाला फील नहीं आता। लेकिन आप लोग बहुत से क्वेश्चंस कर रहे थे मेरी प्रेगनेंसी को लेकर, मैंने सोचा एक प्रॉपर व्लॉग बनाती हूँ जिसमें आप लोगों के साथ। चलो।